नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं तमाम क्षेत्रों की विशेष खबरें, बने रहिए हमारे साथ। शहर कोतवाली क्षेत्र के हाफिजपुर गांव के रहने वाले शंकर प्रजापति आज परिवार संग SPA कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने अपने पटेदारों पर फर्जी ढंग से उनकी जमीन की रजिस्ट्री कराने का आरोप लगाया और एक शिकायत की प्रार्थना पत्र SP सुधीर सिंह को सौंपा। पीड़ित बुजुर्ग शंकर प्रजापति ने मीडिया को बताया है कि उनके घर के पास उनकी पुश्तैनी कुछ जमीन है जिसे फर्जी ढंग से उनके पटेदारों ने अपने नाम करा लिया है। इस बात का पता उन्हें तब चला जब कुछ दिन पहले उनके पाटीदार जमीन की नाप जोख कर रहे थे। पीड़ित ने बताया कि उनके पाटीदार काफी मनवड़ व दबंग किस्म के हैं तथा आए दिन मेरे व मेरे परिवार के साथ मारपीट करते हैं। पीड़ित ने SP को ज्ञापन सौंप दबंग पट्टीदारों पर कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ कहा पीड़ित बुजुर्ग शंकर प्रजापति ने, आपको सुनवाते हैं। मामला यहाँ यह है सर कि मेरी जमीन मुझको दवा खिलाकर पता नहीं कैसे ये लोग रजिस्ट्री करवाए। मेरे 1.5 साल का बच्चा था, बड़ा वाला, और औरत बर्तन मांजती है और बच्चे मजदूरी करते हैं। एक रोज गई औरत अपने छरदेवाली के पास, राजू और कमल प्रजापति ये दोनों आदमी इसको मारने की धमकी दिए। उस दिन पता चला कि मेरी ज़मीन रजिस्ट्री हो चुकी है और ये लोग, इनकी औरतें गाली देती हैं दुर्गावती चंद्रावती हमेशा 24 घंटा। इन लोगों का कार्रवाई यही है, ये लोग हमारे साथ बेहुदा हरकत करते हैं। ये सरगना लोगों का साथ राजू पकड़ा है और सरगना लोगों के साथ रहता है और ये जमीन की दलाली करता है। यही बात हमारी मजबूरी है साहब। ये लोग जब चाहते हैं, ये 5-6 लोग हैं, पीट पाट देते हैं और दवा खिलाकर। अब तक मेरा हालत इससे भी बेकार था, अब तो कुछ सुधार में हूँ, कोई खास सुधार नहीं। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ सर कि मेरी जमीन मुझको वापस दिया जाए।